हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम IRCTC में अपना अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब कभी ना कभी ट्रेन के थ्रू ट्रेवल जरूर करते हैं, और ऐसे में अभी आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल से COVID-19 की वजह से रिजर्वेशन काउंटर सारे बंद हो चुके हैं, और ऐसे में अगर हमें कहीं पर भी ट्रेवलिंग करना है तो उसके लिए हम ऑनलाइन ही रिजर्वेशन कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं कहीं बाहर से तो वो काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पेड करने पड़ते हैं, और इसीलिए मैं यह वीडियो लेके आया हूँ जिस पर मैं आपको बताऊँगा कि आप IRCTC यूज़र अकाउंट बना के किस तरीके से अपनी टिकट खुद ही बुक कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसमें अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू बुक कर सकते हैं, UPI के थ्रू कर सकते हैं, UPI दैट मीन्स कि फ़ोनपे, गूगल UPI या भीम ऐप के थ्रू इसमें कर सकते हैं, और साथ ही आप पेटीएम के थ्रू भी इसमें पेमेंट कर पाएंगे और अपने बहुत सारे पैसे आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि IRCTC में यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं और अपनी टिकट कैसे बुक करते हैं तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से हम IRCTC में अपना यूजर अकाउंट बना सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी ट्रैवलिंग टिकट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे के लिए हो या आजकल एयरप्लेन्स के लिए भी इसमें टिकट आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, IRCTC में यूजर अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले IRCTC टाइप करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IRCTC.co.in ये वाले वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ अलर्ट्स हैं, उसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले से ही बना के रखा हुआ है अपना यूजर अकाउंट तो फिर आपको यहाँ से लॉगिन पे जाके यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और ये एजेंट्स के लिए लॉगिन रहता है तो इस पर नहीं करना है आपको, सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है अपनी ID तो आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप पे यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा, बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स एंड एड्रेस का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूजर अकाउंट अपना कुछ बना देंगे। यहाँ पे यूजर का नेम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूजर का नेम लिख देता हूँ रामायण सिंह, ये एक डेमो के लिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भी देना होगा। ओके, यहाँ पे बता रहा है कि यूजर ID इज इनवैलिड, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी दे दें, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से पासवर्ड दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, व्हाट इज़ योर पेट नेम, यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए। अभी भी यहाँ पे पासवर्ड बता रहा है इनवैलिड, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 स्मॉल एंड 1 कैपिटल अल्फाबेट न्यूमेरिक डिजिटल। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर बोल रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा ये, तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ और हैश नहीं लेगा, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर ही देना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे नेम पूछेगा, पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ रामायण सिंह। ये डेमो नेम मैंने लिया है, ये कोई किसी का सही नेम नहीं है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन में लिख देता हूँ प्राइवेट या कुछ भी लिख दो, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, एक डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दे देते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ले सकते हैं। अनमैरिड इंडिया, मेल, ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेल आईडी हमने दे दिया, PSB Group JBP, मोबाइल नंबर तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। उस नेशनैलिटी यहाँ पे इंडिया लेना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे हमें एड्रेस देना है, ब्लॉक नंबर दे दीजिए 1, 2, 3, ये ऑप्शनल है, पिन कोड है, पिन कोड 482008। यहाँ पे स्टेट मध्य प्रदेश, सिटी जबलपुर, ये जबलपुर का है एड्रेस।
अब इसके बाद अगर जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है अगर उसी को कॉपी कर देना है ऑफिस एड्रेस में तो आपको यस करना है, अगर नहीं करना है तो आपको फिर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्रीमेंट्स, इस पर क्लिक कर देना है। एग्रीमेंट्स पे आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर भी हमें चेकबॉक्स पे चेक कर देना है जिससे सिस्टम ये समझे कि हम रोबोट नहीं हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड करेंगे आपको एक कन्फर्मेशन यहाँ पे मेल आईडी पे आएगा और आपके फ़ोन नंबर पे आएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको वो वेरीफाई करना है, यहाँ पे अभी सिंपली ओके कर देना है। अब आपको सिंपली अपने मेल आईडी और फ़ोन नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है अपने यूज़र अकाउंट को। वहाँ पे लिंक आपको दोनों जगह मिल जाएगी, दोनों जगह से आपको वेरीफाई कर देना है। एक बार जब आप मेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे जाना है और जो मैंने यूजर अकाउंट दिया था उससे लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम हमने दिया था रामायण 12345, वो यूजर नेम डालना है और उसका जो पासवर्ड हमने बनाया था उससे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे कैप्चा रहेगा, यहाँ पे कैप्चा को भी ये कैप्चा रहेगा NHRI के, इस टाइप का अलग अलग कैप्चा हर बार आएगा। आपको यहाँ पे सिंपली फिल करना है और साइन इन कर लेना है। एक बार मैं यहाँ पे आपको साइन इन करके भी बता देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस आईडी के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको वेरिफिकेशन नहीं बताया इस वीडियो में क्योंकि वेरिफिकेशन एक पर्सनल चीज़ होती है, तो आप वेरीफाई कर लीजिए। आपको मोबाइल पे भी लिंक आ जाएगी, आपने जो भी नंबर दिया होगा और उसके टेक्स्ट बॉक्स पे और आपके मेल आईडी पे भी वो एक लिंक आ जाएगी। उस लिंक पे क्लिक कर लेना है आपको IRCTC की तरफ से जो आएगा, वहाँ से आपको वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपली यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो भी टिकट को बुक करना है यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही विंडो मिल जाएगी। आपको यहाँ पे फ्रॉम और टू डालना है कि कहाँ से कहाँ आपको ट्रेवलिंग करना है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट आप कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया जबलपुर टू, मान लीजिए मैं यहाँ पर जबलपुर टू प्रयागराज डालता हूँ, प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पर जबलपुर टू प्रयागराज और डेट मैं कोई भी मेंशन कर देता हूँ 7th की, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जितनी भी ट्रेन जाएंगी जबलपुर टू प्रयागराज वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, क्लासेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जनरल से आप लेडीज, लोअर बर्थ, दिव्यांग, तत्काल, प्रीमियम सब कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखिए अवेलेबल नहीं है, सभी में वेटिंग लिस्ट है, अभी वेटिंग को भी हम बुक नहीं कर सकते हैं कोविड जब तक है। जिस पे अवेलेबल होगी उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक AC 3 Tier अवेलेबल है। अब जो अवेलेबल रहेगा उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद एग्री करेंगे। अब एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे पैसेंजर नेम डालना है, एज डालना है, जेंडर डालना है, नो प्रेफरेंस, लोअर, मिडिल, क्या प्रेफरेंस आप कर सकते हैं, साइड, लोअर क्या देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो आप ऐड पैसेंजर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मेल आईडी रहेगी, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। आप जो भी फ़ोन नंबर, अगर आप खुद के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, अगर आपके कोई घर वाले ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका नंबर दीजिए जिससे उनके नंबर पे एक टिकट का पूरा डिटेल जाएगा वो, जिससे TT को दिखा सकें। यहाँ पे आपको अपना डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे देना है, मैंडेटरी है। यहाँ पे पिन कोड देना है, स्टेट पिन कोड जैसे आप डालेंगे ये स्टेट और सिटी ले लेगा। पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आपको ट्रेवल इंश्योरेंस कराना है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपको नहीं कराना है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट मोड है तो पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, पे ऑन डिलीवरी एंड अदर। अगर इससे करना चाहते हो तो आप यहाँ के थ्रू करिए। अगर आपको UPI या भीम ऐप यानी Paytm, GPay यानी गूगल पे और फ़ोनपे से करना है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से करना है तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगर आप UPI सेलेक्ट करते हैं तो आगे जाके आपको UPI ID वहाँ पे दे देना है, जो भी आपकी यूनिक UPI ID रहेगी। उसके बाद आप वहाँ से पेमेंट करने के बाद आपकी टिकट बुक हो जाएगी और उसका एक प्रिंटआउट भी आपके सिस्टम पर आ जाएगा। आप चाहें तो मोबाइल पर भी
रेल कनेक्ट करके एक एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल करके वहाँ पे भी आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ से भी बुक कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप से भी बुक कर सकते हैं। अब जो भी फ़ोन नंबर आप यहाँ पे देंगे बुक करते टाइम, उस फ़ोन नंबर में पूरे टिकट की डिटेल आ जाएगी, आप जितने लोग भी ट्रेवल कर रहे होंगे उन सब की डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप IRCTC में अपना यूजर अकाउंट बना सकते हैं और अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।